नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स और हम हैं प्रिंस कुमार मिट्ठू। इस वक्त हम मौजूद हैं उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में। कल एक घटना घटी थी पुरैनी थाना अंतर्गत। पुरैनी थाना में मुखिया और थानाध्यक्ष के बीच बहसबाजी हुई, काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट पर एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसी दरमियान में हमारे साथ मुखिया कुंदन सिंह हैं। आखिर कैसे किस बात को लेकर विवाद द्वारा, आइए हम उनसे सुनाते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है कुंदन सिंह, मुखिया हूँ मैं ग्राम पंचायत कुरसंडी, थाना पुरैनी, जिला मधेपुरा। कल हमारे पड़ोस के गांव से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे सर मेरा बाइक जबरदस्ती और मुझे लेकर के पुरैनी जा रहे हैं, जबकि वो घटना है आलमनगर थाना क्षेत्र का। वो व्यक्ति आलमनगर का है, आलमनगर थाना क्षेत्र में घुस के ऐसी बात, ग्राम मधेली। तब मैंने जा कर के फ़ोन किया कि सर आप किस जुर्म में ले जा रहे हैं, किस वजह से ले जा रहे हैं। तो फिर बोले कि आपको बताना जरूरी है। मैंने बोला कि मेरे पंचायत के लोग हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, आप बताइए मुझे। तो नहीं, आप मेरे मालिक हैं? मैंने बोला हाँ मैं मालिक हूँ। फिर उसके बाद बोलते थाना पर आओ, तुमको भी देख लेंगे, तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे। फिर जब मैं थाना पर गया तो वीडियो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, उसमें देख सकते हैं किस तरह से अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हुए, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है। मुखिया क्या होता है, गाली गलौज, मुझे उकसाने का भरपूर कोशिश किया। दो चार पुलिसकर्मी भी हमारे पास सट गए और मैंने तब भी बोला कि आप कुछ नहीं, मुझे धमका भी रहे थे तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। मैंने बोला बंद कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है जब प्रत्यक्ष में सब कुछ है, सब कुछ दिख रहा है, तो फिर इस तरह के ये प्रोसेस क्यों? मुझे लग रहा है ये खाना पूर्ति हो रही है प्रत्यक्ष। अच्छा, को जो लड़का का, जो लड़का का जो गिरफ्तार करके ले गया था, उस आप लोग को जानकारी कैसे हुई है, तुरंत कैसे आप लोग पहुंचे? तो घर पे, हमारे घर पे भी आए थे और हमें फोन के माध्यम से उन्होंने सूचना दिया था। फिर हम गए वहाँ पे, तब बात हुई हमारी दुर्गा साहब से। अभी आप कहाँ पहुँचे हो? अभी हम हैं अनुमंडल मुख्यालय में। डीएसपी साहब का फ़ोन कॉल आया था कि आप आइए, मुझे एसपी साहब का फ़ोन आया है, इसी क्रम में आपसे बयान लेना है। तो मुझे लग रहा है कि जब सब कुछ प्रत्यक्ष में है, सब कुछ दिख रहा है, तो इसमें फिर लेट नहीं होना चाहिए, त्वरित न्याय करना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह से देर नहीं होना चाहिए। हमें मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम कोविड प्रोटोकॉल के तहत आंदोलन को हम मजबूर हो जाएंगे और अन्य जो कानूनी प्रक्रिया है हम वो भी करेंगे। इसीलिए हमें एसपी महोदय से आग्रह है, सरकार प्रशासन से आग्रह है कि इस पर त्वरित निर्णय लें और कानून संबद्ध कार्रवाई। अभी डीएसपी साहब के पास है, डीएसपी साहब के द्वारा क्या कहा गया? डीएसपी साहब के द्वारा बस यही कहा गया कि मुझे ऊपर से आया था आदेश, आप लोगों का बयान लिए हम, अब दरोगा का भी बयान लेंगे, फिर हम दो तीन दिन में करेंगे। तो मुझे ये साफ कहना है जब सब कुछ दिख रहा है तो फिर देर क्यों? सब कुछ प्रत्यक्ष है, सब कुछ आप देख रहे हैं। तो मुझे 24 से 48 घंटे के अंदर में इस घटनाक्रम का न्याय चाहिए, नहीं तो हम कानून संबद्ध जो भी रास्ते होंगे उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये कुंदन सिंह मुखिया थे वहाँ के, जिनसे विवाद हुई थी, काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो आप लोग देख रहे होंगे। हमारे साथ और भी यहाँ के नेता हैं, पूर्व प्रमुख भी हैं, उनसे भी हम आपको बात करवाते हैं, मुखिया हैं, उनसे भी बातचीत करवाते हैं कि क्या मामला है। वर्तमान मुखिया भी है गणेशपुर का, उनसे भी बात कराते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है, मुखिया गणेशपुर है। सर, आपको, आप भी थाना पर गए हुए थे जिस टाइम? थाना पर जैसे हमको पता चला, हम मीटिंग में थे, पोलियो और कोरोना के दो सवाल पर मीटिंग था बीडीओ सर के साथ। हम मीटिंग से बाहर आए तो देखे थाना पर भीड़ भर था। हम वहां गए तो देखे कि मुखिया कुंदन कुरसंडी से जो है और थाना अध्यक्ष दीपक चंद दास से दोनों में डिस्कस हो रहा था। हम पता किए तो पता चला कि एक मधेली का कोई लड़का है, उसका वो जो है अपना गाड़ी आलमनगर बाजार में ठीक करा रहा था। उसी कड़ी में पुरैनी पुलिस जाके, कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी लड़का की जहाँ तक आपको जानकारी है? हमको पता चला गैरेज से ही उसको लेके आया, तो उसी में जो है वहाँ कुंदन जी को फ़ोन किए थे उनका घर वाला, परिवार का लोग उसके घर पर भी गया था कि ऐसे ऐसे है। तो उसमें फ़ोन से पहले वो पता किए कि क्या बात है, तो बोले कि आप कौन हैं पूछने वाले। इसी में बहस जो है शुरू हुआ, तो गया तो वहाँ जो है देखे कि दोनों में पूरा हो रहा था। उसमें हम दो चार शब्द मुखिया अपशब्द टाइप के, मुखिया क्या होता है 5 साल के लिए, और जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया। वहाँ हम भी मौजूद थे, वीडियो भी है उसका। इसी सब बात के जब वहाँ देखे, धीरे धीरे बाजार का टाइम था, लोग अधिक जुटने लगा, तो वहाँ अंत में दरोगा जो है इस पर आया कि गाड़ी का चलान काट के इसको छोड़ देंगे। अच्छा, आप लोग की मांग क्या है? आप अभी तो अनुमंडल आए हैं, डीएसपी साहब से मिले, आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि
जिस तरह से जनप्रतिनिधि निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ जो दुर्व्यवहार किया, ऐसे प्रशासन नहीं रहना चाहिए। कारण आज इनके साथ किया, कल अन्य किसी भी प्रतिनिधि के साथ कर सकता है। तो हम ऐसे पदाधिकारी को जो है यहाँ से जो है फिलहाल तबादला कर दिया जाए और विधि संबद्ध जो उसका प्रमाण है उस पर कार्रवाई भी किया जाए। तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो मांग कर रहे हैं कि इसे थाना अध्यक्ष की तबादला हो, फिलहाल जो भी हो वो जांच का विषय बनता है। और भी हमारे साथ हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी हैं। तो पंचायत समिति जी, क्या नाम हो आपका? हमारा नाम हुआ पवन गोस्वामी। आप क्या हैं? पंचायत समिति सदस्य हैं। अभी आप लोग किस मुद्दे को लेकर जो आए हुए थे, क्या आप लोग की मांग है, वो सारी बात हमें बताएं। थाना का प्रभारी को जो है तबादला होना चाहिए, उस पर विधि संबद्ध कार्रवाई होना चाहिए। और जो है आपकी मुलाकात हुई है डीएसपी साहब से? हाँ हुई है। क्या बताएं डीएसपी साहब? डीएसपी साहब बोले कि ठीक है, आप लोग से पूछताछ किए, आप थाना से हम पूछताछ करते हैं, इसके बाद जो है एसपी साहब को सब बात हम बताएंगे। आप लोग जिस टाइम घटना घट रहे थे मुखिया जी, उस टाइम आप लोग मौजूद थे? हाँ, उस समय थे हम। क्या किस बात को लेकर इतनी बहस तेज हो गई? बहस पहले से हो रही थी दोनों तरफ से। हम जैसे गए ना तो वहाँ बोलते हैं बड़ा बाबू कि मुखिया 5 वर्ष के लिए होता है और इसके बाद जो है मुखिया नहीं रहता है। इसके बाद हम बोले कि मुखिया, जनप्रतिनिधि और पुलिस दोनों मिल करके चलाइएगा, तब विधि सम्मत से चलेगा आपका कारोबार, नहीं तो ऐसे नहीं चलता है। इसी पर जो है हम लोग जो है उठ करके वहाँ से चल दिए। बोले कि ठीक है, गाड़ी रहने दीजिए, हम लोग जो है यहाँ से चलते हैं। तो बाद में जो है फिर गाड़ी छोड़ दिया। क्या वो लड़का भी को छोड़ा गया? हाँ, लड़का को भी छोड़ा गया। और भी हमारे साथ हैं, जो लड़का की गिरफ्तारी हुई थी जिसके लेकर बात करना काफी तेज हुआ था। आइए थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका? मामा सोहेल आलम। क्यों आपकी गिरफ्तारी हुई, कहाँ से आपको गिरफ्तार करके पुलिस ले गए? मदेली चौक पर जो गैरेज है उस पर हम वेल्डिंग करवा रहे थे, वहाँ से अचानक कुरैनी से आए और बोला कुछ नहीं बात हुआ, बोला इधर आओ, बुला के नाम पूछे उन्होंने नाम बता दिए। उसके बाद बोला गाड़ी पे बैठो, गाड़ी पे बैठा के हमको लेकर चले गया था। तो आपके साथ क्या रास्ते में कोई बात भी हुआ आपसे, कि जो आपकी गिरफ्तारी हुई रास्ते में क्या सब बताया गया था आपको, कुछ कहा भी रहे थे क्या? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बोला वहाँ थाना पे लेके गए, वहाँ पे बैठाया उन्होंने। उसके बाद बोला घर से आ रहा आदमी, बोले जी घर से आ रहे हैं। मुखिया जी को लेके गए, हमारे घर के जो गार्जियन थे वो मुखिया जी को लेके गए। उसके बाद मुखिया जी जो है थोड़ा मतलब कुछ फ़ोन पे पहले कुछ बात किए थे उल्टा सीधा। उसके बाद जैसे मुखिया जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला इसको किस जुर्म में गिरफ्तार किए हैं, तो इसी लेके दोनों में टक्कर होने लगा, जातिवाद के बारे में विवाद होने लगा। आपको कब छोड़ा गया था? शाम में छोड़ा गया। ये वही लड़का थे जिसकी गिरफ्तारी पुरैनी थाना द्वारा किया गया था। देखते रहिए द रिपब्लिकन टाइम्स। माय प्रिंस कॉन्वेंट।